सॉरी. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. और मेरी जो है ना छींक छींक की हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि जो है ना मैंने आज जो है ना अब मेरा सामने वाला जो पैसेज एरिया है ना वो क्लीन किया ना, तो मुझे डस्ट की प्रॉब्लम, मतलब एलर्जी हो जाती है मुझे, ज़्यादा छींक के आ रही थी मुझे. तो अभी जो है ना अभी ठीक है मैं. तो आज है धनतेरस एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू. और ये मेरा वीडियो लेट आएगा क्योंकि जो है ना पीछे के ब्लॉग चलेंगे, तो अभी थोड़ा सा लेट आएगा. तो मैं अभी से आप लोगों को बट फिर भी विश कर ले रही हूँ. आज धनतेरस है और आज से सुबह से जो है ना हमारा टाइम ऐसे उड़ गया ना. आज सुबह सुबह जो है ना हम लोगों को इन लॉज के घर से फ़ोन आया था. इन लॉज के यहाँ पे विवेक की जो मम्मी है वो थोड़े से बीमार थे, उनको हॉस्पिटल वगैरह ये वो ले जाना था. और ये चीज़ें हर बार हम ही करते हैं. वो मराठी में एक कहावत है ना कि खाने की मतलब दावत की जब बारी आती है, मतलब सेंटेंस कुछ अलग है मराठी में, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जब खाने की बारी आती है तब जो है ना मामा के बेटों को बुलाया जाता है, और जब काम करने की बारी आती है ना, मतलब जब जिम्मेदारी की बारी आती है ना, तब चाचा के बेटे को बुलाया जाता है, क्योंकि उसको दिलासा दिया जाता है कि तुम खून का रिश्ता हो यार. बट दावत के वक्त जो है ना मामा के बच्चे पास में होते हैं, कहते हैं ना उस टाइप से जो है ना ये है. हम लोगों को हम लोग मराठी में कहते हैं खायला मामाचा मुलगा आणि दाळ दोक्षीदायला काकाचा पोरगा, ऐसा वाला सिस्टम हम लोगों के घर में है. जब भी खाने की बारी आती है ना तो हमारे यहाँ हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, हमको समझाया जाता है. और जब भी हॉस्पिटल का काम आता है ना तो सिर्फ फैमिली सीमित रह जाती है विवेक और रवीना तक, वही है. तो आज सुबह से मतलब मैं मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं हट रही हूँ, बट मैं फिर ऐसा होता है ना कभी कभी कि मतलब बोलते भी आप हम ही को हो, कराते भी हम ही से हो, लास्ट में कुछ भी नहीं किया हमको ही बोलते. मैं इन लॉज की बात नहीं कर रही हूँ, विवेक के मम्मी और पापा की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी के जो चमचे घर में घूमते हैं ना उन लोगों की बात कर रही हूँ. बहुत खुद तो भाई बैठे रहते हाथ पे हाथ दे के, कुछ करेंगे नहीं बट बोलेंगे बहुत है. एंड विवेक के मम्मी पापा को हम लोग यहाँ लाना चाहते हैं, बट वो लोग ऑब्वियसली नहीं आना चाहते अभी से, क्योंकि उनका भी एक बेटा है जो हैंडीकैप्ड है, इस वजह से वो लोग नहीं आना चाहते. देखते ये सारी बातें छोड़ते हैं. तो आज सुबह से हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ से आते आते हम लोग को 12:01 बज गए. उसके बाद में धनतेरस था तो ऑब्वियसली शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग करके आए तो काफ़ी लेट हो गया घर में आते आते. तो हम लोग बाहर से खाना वगैरह लेके आए थे, खाना खाया, विवेक ड्यूटी चले गए और मैंने सोचा जस्ट मैं अपना काम करूं, तो उतने में कस्टमर आ गए. जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, घर में थोड़ा झाड़ू पोछा वगैरह लगाया और अभी जा रही थी मैं रंगोली डालने, तो मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए. तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आज थोड़ी बहुत चीज़ें ही खरीद के लेके आई हूँ, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको. तो सबसे फर्स्ट मैं मेरी शॉपिंग की जो शुरुआत है मैं यहाँ से करती हूँ. भगवान जी से, ये लक्ष्मी माता जी है, तो लक्ष्मी माता जी की मूर्ति पता नहीं विवेक कब से अपने मन में सोच रहे थे, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था. हम लोग हर बार मिट्टी वाली लाते हैं बट फिर उसको रखना विसर्जन करना बहुत प्रॉब्लम होता है. तो विवेक का कहना था कि इस बार हम लोग पीतल की जो है ना लक्ष्मी देवी लेके आते हैं, ताकि ये आगे तक हम लोगों को चलेगी और ये हमेशा हमारे मंदिर में रहेंगी और हर साल जो है ना हमको काम आएगी. तो मुझे उनका डिसीजन सही लगा, तो मैंने कहा कि ठीक है. वैसे भी आज कोई ना कोई जो है ना हम लोग बर्तन खरीदते ही है, तो हमने सोचा उसकी जगह हम लोग ये खरीद लेते हैं. उसके बाद में ये बच्चों का ड्रेस है, तो ये टप्पू का है कुर्ता एंड पजामा, वो दिवाली वाले ब्लॉग में पहनेगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा. तो ये मैंने टप्पू के लिए कुर्ता एंड ये पैजामा बुलाया हुआ है, ये ऑनलाइन लिया हुआ है, ऑनलाइन ही है बट मैं दिखा रही हूँ. उसी के साथ में सेम कलर में ये पिकू का शरारा सेट है, ये शरारा है, ये उसके ऊपर की कुर्ती है, अगेन ये एक चुन्नी है उसके ऊपर. उसके बाद ये वाला है हस्बैंड का, तो टप्पू के जैसे ही सेम मैंने उनके लिए भी कुर्ता और पजामा जो है वो ऑर्डर किया हुआ था. बिल्कुल एकदम मतलब कलर तो सबका ही सेम है बट कुर्ते का पैटर्न टप्पू का और पापा का बिल्कुल सेम है. उसके बाद में जो है ना मैंने सीरीज लगाई, हम लोगों की जो एलईडी लाइट्स है ना सारी ख़राब हो गई थी, तो इस बार मैंने ये ब्लैक इसमें और ये इस टाइप में लाई, हर इसमें अलग अलग कलर, मतलब एक ही इसमें अलग अलग कलर जलते हैं. उस तरीके की मैं लाई हूँ. पूजे के लिए पान और यहाँ पे है ये दिए और रंगोली, कुछ रंगोली मेरे पास रखी हुई है, मैंने करवा चौथ पे भी ली थी और कुछ दशहरे में ली थी, तो अभी ये इतने लेके आई हूँ मैं. उसके बाद मैं फ्लावर लेके आई हूँ, मैंने हस्बैंड से 1 किलो कहा था बट वो 1/2 kg ही लेके आए, वो कह रहे थे कि परसों में फिर से लक्ष्मी पूजन के दिन फ्रेश लेके आऊँगा, तो वो 1/2 kg ही लेके आ गए हैं. उसके बाद में गुलाब जामुन, हर दिवाली पे जो है ना मैं गुलाब जामुन बनाती ही हूँ, पता नहीं मुझे अच्छा लगता है हर दिवाली पे गुलाब, मतलब ऐसे बीच में तो बनते ही रहते हैं बट दिवाली के दिन गुलाब जामुन बनाना अच्छा लगता है, तो मैं दिवाली के दिन गुलाब जामुन बनाती हूँ. और ये अक्खा धनिया लाया है मैंने, ये हर साल मैं धनतेरस पर खरीदती हूँ, मतलब जो भी कुछ कह रहे हो रिचुअल्स कह रहे हो या जो भी कुछ है उस हिसाब से मैं खरीदती हूँ. उसके बाद में कश्मीरी लाल मिर्च मुझे चाहिए थी इसीलिए, चूड़ा मसाला क्योंकि अभी चूड़ा बनेगा घर में इस वजह से, और एक नमक का पैकेट जो आज के दिन धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए.
और उसके बाद में मैंने ये वाली ली है साड़ी, ये मम्मी के लिए साड़ी लेके आई हूँ मैं। मम्मी के लिए मैंने ऑनलाइन नहीं ऑर्डर की थी, तो फिर मैं अभी ये साड़ी जो है ना लेके आ गई हूँ। और ये मैं हस्बैंड के जो है ना फ्रेंड जाते हैं गांव के तरफ, तो वो लेते हुए जाएंगे और मम्मी के घर पहुँचा देंगे। तो एकदम सॉफ्ट कपड़े में जो है ना लिए, क्योंकि मम्मी को हेवी साड़ी पसंद नहीं है, सॉफ्ट कपड़े में है और थोड़ी सी ब्रॉड बॉर्डर में साड़ी है, अच्छी लग रही है पिंकिश कलर में।